हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूँ आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स का दूसरा सेशन, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी का 5.6 का सॉल्यूशन। और आज हम लोग करेंगे 5.6 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम लोग कर लेंगे और आज इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको मेरे वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिल सके। जहाँ पे मेरी क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेज चल रही है, और आप जाके वहाँ पे मेरे चैनल पे ज्वाइन करके आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स का शानदार अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेरे लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं, और वहां से आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बेसिक से हाई लेवल तक मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, जहाँ पे अगर आपको बेसिक कमजोर है तो आप 11th का सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। 11th का प्लेलिस्ट पूरा आपको मेरे चैनल पे जाके बना हुआ है, जहाँ पे आप 11th के चैनल पे जाकर आप मैथमेटिक्स का बेसिक मैथ का लेक्चर देख सकते हैं, जहाँ से आपको बेसिक का क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट करें ताकि आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको वीडियो में प्रॉब्लम आए, आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हमको डाउट्स आ रहा है, तो आप कमेंट करें ताकि मुझे आपको डाउट्स क्लियर करने का मौका मिले। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, ऐसे ही चलते रहेगा। चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन है हमारा, चल रहा था प्राचल फलनों का अवकलन, ठीक है, जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में कंसेप्ट बता दिया था, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर टोटल 6 तक हमने उसका सॉल्यूशन कर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। हम लोग डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन के अंतर्गत ये चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, देखेंगे। क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू साइन क्यू टी और y इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन और रूट अंडर साइन टी, और यहाँ पे कॉस टी टू टी दिया हुआ है कि नहीं। तो क्या कंसेप्ट बताए थे आपको, x का अगर t के टर्म में हो तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, हमने करा डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अगर t करेंगे तो क्या बनेगा, करते हैं देखिए डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन कैसा होगा, u बाय v का रूप है ना, ये भी आपका क्या है, u बाय v का रूप है। तो u बाय v का रूप कैसे जानते हैं, समझ लेंगे डिफरेंशिएशन का रूल जो होता है, u बाय v का रूल क्या होता है, ठीक है। इसका रूल होता है du बाय dx, ठीक है, du बाय dx का मतलब u का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक, अच्छा, इनटू v ज्यों का त्यों माइनस, भी को हमने वैसे लिख दिया माइनस डी भी बाय डी एक्स, यानी नीचे वाला जो भी था उसका डिफरेंशिएशन, इनटू यू जो है वो आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा, और किसका स्क्वायर, नीचे वाले का हम कर देते हैं स्क्वायर, और ये आपका तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो फॉर्मूला को नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन करते हैं, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन साइन क्यू टी है तो चलिए लगाते हैं, क्या लिखेंगे, डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना है, पावर है, तो पावर क्या होता है, पावर साइन के टर्म में है, पावर आएगा बगल में, तो 3 sin² t होगा, है ना, और फिर sin² t हो गया, तो sin t का डिफरेंशिएशन कितना, cos t, ये आपका हो जाएगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला कितना है, cos 2t, तो हमने लिख दिया इसको cos 2t, नीचे वाला ज्यों का त्यों चलेगा, माइनस किसका, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला कौन है, नीचे वाला आपका cos 2t है, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, x होता है रूट अंडर x, तो कितना है आपको cos 2t है, cos 2t तो लिखेंगे ना 1/2√cos 2t, और cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका अंदर वाले का, तो अंदर वाले का हो जाएगा sin 2t, और उसमें क्या लगा रहता है माइनस, तो जब इसमें माइनस आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये sin 2t तो हो गया, अब sin 2t हो गया तो अब इसको क्या, इसमें से क्या निकलता है, 2t में से भी क्या निकलता है आपको, यहां से 2 निकलता है, ये हम मिटा रहे हैं, 2t में से आपको निकलता है t, ठीक है। फिर से देखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पावर बगल में, पावर माइनस 1, ये आपका sin² t हो गया, इनटू नीचे वाला, और सॉरी यहाँ पे sin t का भी डिफरेंशिएशन cos t, नीचे वाला जो करते हैं प्लस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला क्या है cos है, और भी रूट में, तो 1/2√x होता है, तो हमने लिख दिया,
और फिर अंदर में कॉस टूटी है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन टूटी, तो ये माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा और फिर टूटी में से निकला टू। अब नीचे वाला हो गया और ऊपर वाला क्या लिखेंगे, फिर ज्यो का त्यो, तो ये आपका साइन क्यूटी हो जाएगा ज्यो का त्यो। और भी कुछ होता है और क्या होता है इसमें, ये एक सवाल बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नीचे बनेगा आपका नीचे वाले का स्क्वायर, तो रूट में है तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, केवल कॉस टूटी बन जाएगा, क्लियर है। ये आपका केवल का केवल कॉस टूटी आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कटने वाला है, पहले इसको सेट कर लिया जाए, ये टू से ये टू कैंसिल। और भी कुछ है जो कट रहा है, नहीं कट रहा, आगे देखते हैं। dx by dt equal to, ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, है ना, फिर इंटू रूट अंडर कॉस टू टी प्लस ये साइन टू टी होगा, साइन टू टी भी लिखते हैं, साइन टू टी इंटू साइन क्यू टी, ठीक है। और नीचे में क्या है, ये आपको नीचे में दिया है आपको कॉस टू टी, वो भी कितना, रूट में, रूट में दिया है आपको कॉस का टू टी, चलेगा। और सबके बट्टा में क्या है, सबके बट्टा में आपको दिया है कितना, कॉस टू टी का कॉस टू टी, ठीक है, चलेगा। ये हमने लिख दिया, अब एक काम कर सकते हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम एलसीएम निकाल सकते हैं इसका और वन का, ये तो मेन बट्टा ही है ना हमारा, मेन बट्टा कौन सा, ये आपका मेन बट्टा है, तो हम यहां से एलसीएम निकालते हैं। देखिएगा जरा सा, ये आपका dx / dt रहेगा, ठीक है, मेन बट्टा है तो उसको लिख देते हैं मेन बट्टा की तरफ, ये आपका cos 2t है तो cos 2t रहेगा, अच्छा। और क्या बनेगा यहाँ पे, अब एक दूसरा बट्टा आएगा, कौन सा वाला, ये बीच वाला, ठीक है, ये मेन हमारा है, ठीक है ना, अच्छा, तो बीच वाला आएगा, वन से भाग लगाया में cos 2t से, वो वन का भाग लगाया cos 2t में, तो कितना आएगा एलसीएम, यहां से तो एलसीएम पहले ले लेते हैं वन और cos 2t का, तो ये आपको कितना आएगा, रूट अंडर cos 2t, ठीक है, भाग लगाया वन से तो इतना ही आएगा भागफल, अब अंदर में गुना करेंगे तो कितना बनेगा, ये गुना करने पे cos 2t और रूट cos 2t गुना हो गया, क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, वो भी कौन सा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, ठीक है, और इंटू ये रूट खत्म, तो क्या बचेगा, cos 2t बनेगा ना, प्लस है तो प्लस, यहां पे बना साइन 2t, है ना, और इंटू कितना हो जाएगा, साइन qt, ये आपका बन जाएगा ऊपर में, और ये आपका रूट है तो रूट आपका बना रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए जरा सा, 3 साइन स्क्वायर टी cos t और यहाँ पे cos 2t आया, और ये साइन 2t और साइन qt अपॉन रूट अंडर cos t, अब सब तीन बट्टा तो चलेगा नहीं, दो बट्टा, अब कोई एक मेन बट्टा को हम लोग सेट कर लेते हैं, जरा यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, एक मेन बट्टा को हम सेट करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे दो तीन पार्ट में। यहाँ पे आया क्या, dx / dt इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, है ना, इंटू कॉस टी इंटू कॉस टू टी, प्लस है तो प्लस, साइन टू टी इंटू साइन क्यू टी, यहां से आया साइन टू टी इंटू साइन क्यू टी आ गया। और नीचे में जो है मेन बट्टे के अंदर में, मेन बट्टा कौन है, ये वाला है, तो कॉस टू टी कहां चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा कॉस टू टी इंटू रूट अंडर कॉस टू टी, ये आपका आ जाएगा आपका, ये हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है, पहला वाला हिस्सा हमने आपको डिफरेंशिएशन कर दिया, इसके बाद हम लोग कर लेंगे दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले आप एक काम करें, सबसे पहले आप यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकन है, यहाँ पे साइन टूटी नहीं है बेसिकली, यहाँ पे कॉस टूटी है कि नहीं, कॉस टूटी नहीं तो मामला फंस जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा गलत लिखा गया था, यहाँ पे क्या है, कॉस टूटी है, कॉस क्यूटी अपॉन रूट अंडर कॉस टूटी, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करें, फिर हम करेंगे इस सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और फिर वहां से समीकरण आपको निकल के आएगा, कौन सा समीकरण सेकेंड, और फिर हम लगाएंगे उसका भाग। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर ले, या फिर आप आराम से इसे स्क्रीनशॉट ले ले समझते हुए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बेसिकली क्वार्टर है हमारा, वाई को पे चलते हैं, ठीक है, हमारा फर्स्ट समीकरण यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन, देखिएगा जरा सा, डीवाई बाय डीटी, ठीक है, ये cos qt है तो इसका भी वही वैसे ही नियम लगेगा, आपको ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला, तो ऊपर वाले का क्या होगा, 3 cos स्क्वायर t इंटू नीचे, अभी नीचे वाला तो नहीं करेंगे ना, cos स्क्वायर कर लिया, पावर बगल में पावर माइनस वन, और cos का कितना हो जाएगा, sin t, अभी कौन सा, माइनस का sin, तो ये आपका माइनस लग गया, ठीक है।
उसके बाद नीचे वाला जेम का टर्म, तो नीचे वाला कितना है कॉस टू टी, हमने लिख दिया नीचे वाला जेम का टर्म, चलेगा। माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, नीचे वाले का डिफरेंस, तो नीचे वाला क्या है आपके पास वन बाय टू रूट अंडर कॉस टू टी, ये आपका नीचे वाला हो गया है कि नहीं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और इसमें से कॉस टू टी का कितना होगा माइनस का साइन टू टी, तो जब माइनस का साइन टू टी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहां लिख देंगे क्या साइन टू टी, ये आपका हो जाएगा कौन सा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद क्या इंटू ऊपर, अब टू टी में से भी क्या निकलेगा आपको टू तो निकलेगा ना, कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू टी, ये प्लस हो गया और टू टी में से निकला आपको टू, और फिर क्या करेंगे आप, अब करेंगे ऊपर वाले को जेम करते हैं, तो ऊपर वाला जेम करते हैं कितना हो जाएगा कॉस क्यू टी का कॉस क्यू टी, चलेगा। अच्छा उसके बाद हम लोग लिखते हैं किसका नीचे वाले का स्क्वायर, तो जब नीचे वाले का स्क्वायर लिखेंगे तो नीचे वाला कौन है कॉस टू टी है, तो ये आपका क्या हो गया रूट खत्म हो जाएगा, कॉस टू टी का कॉस टू टी हमारा रह जाएगा, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं यहां से टू हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको सेटअप करते हैं, ये बनेगा डीवाई बाय डी टी इक्वल टू माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी है ना, और इंटू कितना है रूट अंडर कॉस टू टी, चलेगा। प्लस है तो प्लस, यहां पे बनेगा आपको साइन टू टी इंटू कॉस क्यू टी, और यहां नीचे में आपको दिया हुआ है बट्टे के अंदर में कितना कॉस टू टी दिया हुआ, चलेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये नीचे में दिया आपको क्या पूरा का पूरा कितना कॉस टू टी का कॉस टू टी। अब यहाँ पे वही पिछला वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे एलसीएम का काम करेंगे, एलसीएम किसका लेंगे इसका, यहाँ पे वन है और यहाँ पे कॉस टू टी, मेन बट्टा का कौन है ये वाला मेन बट्टा है, तो मेन बट्टा दे दिया जाए, चलिए मेन बट्टा दे देते हैं, ये हमने दिया मेन, ठीक है, ये हमारे पास रहा मेन बट्टा, नीचे में क्या है आपके पास कॉस टू टी है, उसके अंदर में कौन सा बट्टा आएगा इन दोनों के एलसीएम वाला, तो एलसीएम वाला तो वन और कॉस टू टी का क्या होगा रूट अंडर कॉस टू टी होगा, तो कॉस टू टी होगा है कि नहीं, यहाँ पे कॉस टू टी होगा। अच्छा अब ये आ गया कॉस टू टी, तो अब इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम लेंगे ना, तो वन से भाग लगाया हमने कॉस टू टी में, तो भाग फल आएगा कॉस टू टी, अब इसके पूरे वाले आंसर में हमको गुना करना पड़ेगा, इसमें पूरा टोटल में गुना करेंगे तो कितना होगा कॉस टू टी रूट अंडर गुना होगा क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और इंटू ये क्या होगा रूट खत्म, यानी क्या हो जाएगा आपका कॉस टू टी, चलेगा। प्लस है तो प्लस, ये क्या है रूट से भाग लगाएंगे तो ये क्या होगा रूट वाला पोर्शन कट जाएगा, ये जेम का देव उतार देंगे, यानी कितना होगा साइन टू टी का साइन टू टी इंटू कॉस क्यू टी का कॉस क्यू टी आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेज हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रहा कौन सा डीएक्स बाय डी टी, सॉरी डीवाई बाय डी टी ना, डीएक्स नहीं डीवाई बाय डी टी, अब फाइनल करते हैं इसको डीवाई बाय डी टी इक्वल टू, अब तीन बट्टा चलेगा नहीं, फिर वैसे ही इस रूट को कहां लेके आएंगे इसके साथ लेके आएंगे, तो बनेगा क्या आपके सामने, ये आपका बनेगा ऊपर में माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी है ना, और इंटू कॉस टू टी प्लस साइन टू टी इंटू कॉस क्यू टी, और नीचे में क्या बन जाएगा आपको कॉस टू टी का कॉस टू टी, और रूट अंडर कितना रूट अंडर आपको कॉस टू टी बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा समीकरण कौन सा, ये बन जाएगा आपका समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो आराम से देख ले इस क्वेश्चन को, हमने डिफरेंशिएशन पिछले वाले की तरह ही किया हुआ है और आपका समीकरण सेकेंड यहाँ पे निकल के चला आया, तो समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण सेकेंड ये है, हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है डीवाई बाई डी एक्स, तो अब हम करेंगे समीकरण दो में समीकरण एक का भाग हम लोग लगाएंगे, पहले आप इसे भी नोट करें आराम से और समीकरण टू सेट कर ले, और फिर हम अगले वाले पोर्शन में हम इसको रफ करके फिर करेंगे समीकरण दो का भाग समीकरण एक के साथ, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट आए तो बढ़ते हैं लगाते हैं अब इसका भाग, ठीक है। हम लोग को चाहिए डीवाई बाई डी एक्स, तो हम भाग लगाएंगे, ये आपके पास कौन सा है समीकरण सेकेंड है, ठीक है। समीकरण सेकेंड में किसका भाग लाएंगे फर्स्ट का, है कि नहीं, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का भाग लाएंगे तभी ना हमको मिलेगा डीवाई बाई डी एक्स, देखिए तो भाग लगाया जाए समीकरण सेकेंड आपके पास ये है, तो लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे क्या हम लोग डीवाई बाई डी एक्स, हम जानते हैं कि डी टी से डी टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमने सीधा लिख दिया डीवाई बाई डी एक्स। अच्छा अब भाग लगाएंगे तो अब देखिए ये क्या आएगा ऊपर में जाएगा, तो ये आपको आएगा माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन का टी इंटू कितना होगा कॉस टू टी
प्लस साइन टू टी है ना इंटू कॉस क्यू टी होगा। अच्छा और नीचे में क्या आने वाला है आपके पास, नीचे में आपको आएगा कॉस टू टी इंटू रूट अंडर कितना, रूट अंडर कॉस टू टी, यही आएगा ना। अच्छा तो ये आपके पास आ गया, अब इसका भाग लगाएंगे अब इससे, तो ये आपको कहाँ जाएगा नीचे की ओर, तो ये आपका आ गया नीचे की ओर, ये हमने लिया इसका मेन बट्टा, ठीक है ये हमने इसका मेन बट्टा ले लिया चलेगा। अच्छा अब इसको लिखेंगे नीचे की ओर, तो नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस टू टी प्लस साइन टू टी इंटू साइन क्यू टी चलेगा। और नीचे में क्या आने वाला है आपके पास, नीचे में आएगा कॉस टू टी इंटू रूट अंडर कॉस टू टी, ठीक है ये आपके पास आ जाएगा भाग। तो अब भाग ही आ गया, तो कॉस टू टी से कॉस टू टी कटा, रूट अंडर से रूट अंडर कट गया, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा से, डीवाई बाय डीएक्स, अब यहां देखिएगा ध्यान से, बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर टी है ना, माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी है ना, और कॉस टू टी को कॉस टू टी रहने देते हैं, प्लस साइन टू टी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा हुआ है, साइन टू टी जो होता है आपका, साइन टू टी जो होता है वो क्या होता है, टू साइन टी इंटू कॉस टी, ये आप फॉर्मूला जानते होंगे, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे वही लगाने वाले हैं, साइन टू टी बनेगा आपको यहाँ प्लस करके है ना, साइन टू टी बनेगा टू साइन टी इंटू कॉस टी बनेगा, इंटू कितना है यहाँ पे कॉस क्यू टी है तो कॉस क्यू टी रख देते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे आपके सामने क्या है, नीचे में दिया हुआ है साइन थ्री साइन स्क्वायर टी, तो ये बना थ्री साइन स्क्वायर टी है ना इंटू कॉस टी इंटू कितना है कॉस टू टी है तो भी रहेगा प्लस साइन टू टी, तो साइन टू टी को तोड़ सकते हैं क्या, इसको भी तोड़ देते हैं, टू साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन क्यू टी को साइन क्यू टी रहने देते हैं, चलेगा। यहाँ पे हम अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ देखिए जरा सा, यहाँ पे कॉस है स्क्वायर है और यहाँ साइन है, ठीक है यहाँ भी कॉस है और क्या है साइन है, तो एक काम कर सकते हैं हम इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉस और साइन को कॉमन कर सकते हैं क्या, जरा देखिए, तो यहां से देखिएगा क्या कर सकते हैं हम, डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं इक्वल टू, यहां से निकालते हैं एक कॉस टी और यहां से एक निकालते हैं आपको साइन टी, निकल गया तो बचेगा क्या, यहां पे आपके सामने बचने वाला है, यहां पे एक बच जाएगा माइनस का थ्री, तो यहां लिख दिया जाए माइनस का थ्री, ठीक है यहां से एक कॉस निकल चुका है यहां सामने, तो एक बचेगा आपके पास यहाँ पे कॉस टी, ठीक है यहां पे आपका एक कॉस टी बच गया, साइन निकल चुका है तो बचेगा क्या, एक और बचेगा आपको कॉस का टू टी, ठीक है। अच्छा प्लस है तो प्लस, यहां से साइन निकल गया कॉस निकल गया तो बचेगा क्या, टू इंटू कॉस का क्या क्यू टी, ये आपका ऊपर साइड में बच रहा है, क्लियर है। अच्छा नीचे देखिए, नीचे में यहां पे साइन यहां पे कॉस, तो आप यहां से भी वही काम कर सकते हैं, यहां से साइन निकालो है ना और यहां से निकाला है कॉस, साथ में इधर साइड में साइन है और कॉस है, यहां से भी निकाल सकते हैं, तो यहां पहले बचेगा कौन सी, पहले देख लेते हैं, यहां बचा थ्री और एक साइन निकाली है तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा साइन टी है कि नहीं, एक साइन निकाली है यहां पे बचा साइन टी और साथ में क्या बचेगा कॉस का टू टी, क्लियर है प्लस है तो प्लस, साइन निकल गया कॉस निकल गया टू बचा हुआ है और साइन क्यू टी बचा हुआ है, तो यहां बचा टू और इंटू साइन क्यू टी, ये आपके पास बचेगा है ना, ये दूसरी साइड में यानी नीचे की तरफ आपको ये बचने वाला, तो यहां देख सकते हैं साइन टी कटा कॉस टी से कॉस टी से कॉस टी आपका कट जाएगा। तो अगला स्टेज हम जब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये लिखते हैं डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहां पे है आपके सामने क्या थ्री कॉस टू कॉस टी और यहां पे कॉस टू टी, तो पहले इसे नोट करते हैं सही से, इसको सजा देते हैं टू कॉस, पहले लिख देते हैं टू कॉस क्यू टी है ना, और प्लस कितना, प्लस नहीं बेसिकली आपको पहले माइनस वाला है ना, तो माइनस लिखेंगे माइनस का थ्री कॉस टी इंटू कॉस का टू टी, ठीक है। और नीचे में आपको बनेगा, ये बनेगा आपको थ्री साइन टी, यानी ये आपका बन जाएगा थ्री साइन टी इंटू कॉस टू टी और प्लस का कितना टू साइन क्यू टी आपके सामने बन जाएगा, क्लियर है। तो
अब यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली है बहुत बड़ा, ठीक है। तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको फिर से एक बार रुकना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझते हुए आपको पहले समीकरण दो का समीकरण एक से भाग लेना है और आराम से पहले आप इसे क्या कर ले, आप इसे नोट कर ले यहां तक, ठीक है। फिर हम इसको एक बार फिर से रफ करेंगे, अब आराम से इसे क्लियरली रूप से नोट करेंगे, हम एक बार फिर से रफ करके इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं होगा सर क्योंकि बोर्ड बेसिकली छोटा है तो हमको ये दो तीन बार में करना ही पड़ेगा। तो आप पहले आप इसे यहां तक नोट करें आराम से, ठीक है। हम आपको समय देते हैं प्रॉपर, आप इसे आराम से लिख लें, जहां तक अभी तक मैंने करा हुआ है आप आराम से इसको समझते हुए नोट कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसको लास्ट स्टेज तक लेके चलते हैं। तो बढ़ते हैं यहां से आगे की ओर, ठीक है। अब हम इसको ऊपर लेके चलते हैं तो देखिएगा क्या होने वाला है, dy by dx इक्वल टू 2 cos qt को रहने देते हैं, 2 cos qt हमारा रहेगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस इसको भी रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहां पे 3 cos t है, इसको भी लिख देते हैं 3 cos t का 3 cos t। अब cos 2t को क्या लिखा जा सकता है, cos 2t का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, cos 2t का हम दो तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, और cos 2t को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस, एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ये लिखने का तरीका होता है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, जरा इसको लिखने का प्रयास करते हैं, क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, ठीक है। और ये आपका बेसिकली इसके साथ क्या है, गुना में है कि नहीं, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और नीचे में आपके पास क्या है, नीचे में 3 sin t, तो 3 sin t का 3 sin t रहेगा, है ना, इनटू cos 2t को क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t लिख देते हैं इस पर, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, और 2 sin qt को लिख देते हैं 2 sin qt, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दोनों का। अब लिखेंगे इसको dy / dx इक्वल टू 2 cos qt रहेगा, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं इसका, पहले इधर गुना कर लेते हैं, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6, और cos t, और cos t कितना हो जाएगा आपको cos cos qt हो जाएगा ना, ये 6 cos qt हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, है ना, 3 का 3 तो यहाँ पे बनेगा 3 cos t का 3 cos t बनेगा, बन चलेगा। आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ, देखिए sin t का गुना करते हैं इधर, तो क्या होगा 3 sin t माइनस 3 गुना का 6 sin स्क्वायर t बनेगा, sin स्क्वायर t बनेगा, बेसिकली ये क्या बनेगा sin qt बनेगा ना, sin t into sin स्क्वायर t, sin qt बनेगा, अब प्लस का कितना है 2 sin qt, चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत हमारा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे लिखा जाए, dy / dx, सारा कुछ एडजस्टमेंट का ही खेल है क्वेश्चन में, इसको लिख देते हैं 2 cos qt माइनस प्लस माइनस, तो ये बनेगा 6 cos qt, और माइनस माइनस ये बनेगा प्लस, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3 cos t का 3 cos t। आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर, 3 sin t, अब यहां पे देखिए जरा सा, 3 sin t तो हमने लिख दिया, अब माइनस में 6 को q और यहां प्लस में 2 को q, तो माइनस में कितना हो जाएगा 4 sin q हो जाएगा, हो जाएगा ना, माइनस में 4 sin q की हो जाएगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं एक स्टेज और, dy / dx, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 को cos qt और माइनस में 6 को cos qt, तो 2 में से 6 हो गया तो माइनस में 4 cos qt बनेगा, है ना, और प्लस में कितना 3 cos t आपके सामने बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा और नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है 3 sin t और माइनस में 4 sin कितना qt आपका बन रहा है, क्लियर है, ये आपका बन रहा है, इस नीचे वाले को हम रफ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल किया है, ऊपर में आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा ये आपके पास बना, तो अब थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, साइन 3 ए होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन 3 ए होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, और इसी में एक होता है कॉस 3 ए, ये होता है 3 कॉस, सॉरी 3 कॉस नहीं, बेसिकली 4 cos qa और माइनस 3 cos a, बेसिकली माइनस 3 cos a ही लिखते हैं ना, 4 cos qa माइनस कितना 3 cos a लिखते हैं, 3 cos a हम लोग लिखते हैं, ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो अब यहां से देखें अगर, तो क्या दिख रहा है आपको,
4 cos qt तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करेंगे जरा यही देख लेंगे, ठीक है। इसका माइनस कर लेते हैं कॉमन, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 4 cos qt माइनस कितना यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 3 cos t हो जाएगा। देखिए कैसे माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, क्लियर है। अच्छा और नीचे में क्या है, 3 sin t माइनस 4 sin qt, तो 3 sin a माइनस 4 sin q a क्या होता है फॉर्मूला, sin 3 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, sin का 3 t लग जाएगा यहाँ, है कि नहीं, ये आपका लग जाएगा। अब फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ये हम लिख सकते हैं इसको dy by dx, है कि नहीं, इक्वल टू ये आपका सूत्र हो जाएगा कौन सा, cos 3a वाला, तो हम इसको क्या लिखेंगे t के टर्म में, तो क्या लिखेंगे cos 3t, और बाहर में लगा है माइनस तो माइनस रहेगा, और नीचे में कितना ये आपका है sin 3t, तो cos 3t बटा sin 3t क्या बनेगा cot 3t, यानी फाइनल आंसर हमारा आ चुका है यहाँ आपके सामने, ये हो जाएगा माइनस का cot 3t, और ये होता है आपका एक बहुत ही लंबे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा गया तो क्वेश्चन सीधे आपको 5 नंबर दे के जाएगा, बस बसरते आपको आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने का प्रोसीजर आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन बनाने का प्रोसीजर स्पष्ट होगा, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इस वाले पोर्शन का हमको क्या करिए, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं, ताकि इसमें का क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन बेसिकली, खास करके क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ही था ना क्वेश्चन नंबर आपके पास, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 ही था, ठीक है। इस 7 नंबर क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी बहुत सारे लोगों को, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप जितनी बार चाहें आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। जो हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है ये सामने लिखा हुआ है, और ये आपका प्रॉपर आंसर है, आराम से इसे आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, अगर आपको सारी चीजें कंसेप्चुअल अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तो आराम से इसे बेसिकली वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड में एक दो बार पूछा भी जा चुका है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जब समझते हैं, क्वेश्चन वही है, x दिया है y दिया है, हमको क्या करना होगा, x y का डिफरेंशिएशन निकालना होगा और उसको क्या करना होगा, भाग लगाना होगा। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ किसके टर्म में दिया, t के टर्म में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बनेगा dx by dt इक्वल टू a, तो a रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, cos t का होता है क्या आपका माइनस का साइन टी, प्लस है तो प्लस, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं 1/x होता है, यानी 1/ क्या हो जाएगा टेन टी बाय टू, ये जानते हैं, ठीक है। अब हमने किसका किया, लॉग का किया, उसके बाद किसकी बारी है टेन की, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा टी बाय टू, टेन का भी कर लिया, अब टेन का कर लिया तो टी बाय टू कहां जाएगा, तो टी बाय टू का भी तो करना पड़ेगा ना, तो टी बाय टू का डिफरेंशिएशन होता है 1/2, अब इसमें गुना कर रहे हैं किससे 1/2 से, चलेगा, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया किसका, इधर वाले का, बेसिकली हमारा x का। अब इस पे एडजस्टमेंट का काम करेंगे, एडजस्टमेंट क्या करेंगे जरा समझिएगा, एडजस्टमेंट क्या करें देखते हैं, dx by dt equal to a हमारा बाहर में है, माइनस का sin t है, लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर t by 2, सॉरी sec स्क्वायर t by 2 को क्या लिखते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर t by 2 लिख सकते हैं क्या, और इस tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन बाई कॉस, तो जब इसको साइन बाई कॉस लिखेंगे तो पलट के कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉस टी बाय टू, और नीचे में कितना साइन टी बाय टू, ये हमने लिख दिया, टैन को लिखा साइन बाय कॉस, तो नीचे में साइन और कॉस पलट के चला गया ऊपर, इनटू यहां पे क्या है कॉस सेक स्क्वायर, तो सेक होता है 1/cos, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर टी बाय टू, चलेगा। अच्छा और साथ में क्या है आपका 1/2 है, तो 2 को हम इसके साथ में ले लेते हैं, यहाँ 2 को साइड में नीचे में ले लिया हमने, 1/2 ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट, ये cos t by 2 से cos t by 2 कट जाएगा, आगे बढ़ते हैं dx by dt equal to a का a रहेगा है ना, माइनस का sin t भी रहेगा, प्लस ये ऊपर में क्या है 1, और नीचे में आपको हो जाएगा 2 sin t by 2 into कितना cos t by 2, ये बन जाएगा। अच्छा अब एक चीज बताइए, हाफ एंगल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, हाफ एंगल फॉर्म में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
टू साइन थीटा इंटू सॉरी टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये होता है हाफ एंगल फॉर्म में किसका, साइन थीटा का फॉर्मूला। तो ये क्या लिखा है, टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, साइन टी, केवल साइन टी। तो क्या बनेगा, dx बाय dt इक्वल टू a का a माइनस का साइन टी रहेगा प्लस ये बन जाएगा वन बाई केवल क्या चीज साइन टी, और यही बचेगा ना, और तो कुछ बचेगा नहीं, केवल वन बाई साइन टी बचेगा। अब इसमें एक काम क्या किया सकता है, यहां से हम ले सकते हैं एलसीएम, बिल्कुल ले सकते हैं। तो एलसीएम एक और साइन टी का एलसीएम कितना आएगा, तो थोड़ा सा स्पेस देखते हैं, ध्यान देंगे, इसको मिटा देते फॉर्मूले को, यही देख यही देखिएगा जरा सा, यही नीचे देख लेते हैं, dx बाय dt इक्वल टू a का a रहेगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, साइन टी का साइन टी, एक से साइन टी भाग आएगा तो क्या होगा, साइन टी आएगा, तो साइन टी गुना होगा तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, है ना। अब प्लस का कितना हो जाएगा, वन, क्यों, क्योंकि साइन टी से साइन टी कटेगा, वन ही आएगा। आगे देख लेंगे इधर, अब ये वन माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, अगर सजा के देखा जाए तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी, और वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, यानी डी एक्स बाई डी टी जो आएगा वो आपका ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और साथ में क्या लगा है ए, और नीचे में क्या है आपका, केवल साइन टी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, साइन टी का साइन टी, ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, ये समीकरण आपका बन जाएगा समीकरण वन। अब बढ़ते हैं समीकरण दो की तरफ, यानी हमको क्या करना होगा, डीवाई बाई डी टी निकालना होगा। तो अब लिखेंगे डीवाई बाय डी टी, तो डीवाई बाई डी टी क्या ए है, तो ए साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना, साइन टी का कॉस टी, ये समीकरण दो हमारा आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल था, सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट जो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ था। फिर से समझिएगा, ए हमारा वैसे ही रह गया, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी है कि नहीं, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स होता है, तो हमने लिखा वन बाय टेन टी बाय टू, ठीक है, और टेन टी बाई टू लिख दिया, तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का वन बाई टू चलेगा। अच्छा, हमने इस टेन को लिखा साइन के बटा कॉस के फॉर्म में, तो साइन टी बाई टू, और कॉस जब लिखेगा तो कॉस उलट के ऊपर चल जाएगा, तो कॉस ऊपर चला गया, सेक को चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर में, तो वन बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और वन बाई टू नीचे में था तो हमने टू को नीचे ले लिया है, कॉस से कॉस एक कट गया, ये बना माइनस का साइन टी प्लस यहाँ टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अब टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू हाफ एंगल के फॉर्म में फॉर्मूला होता है केवल साइन टी का, तो हमने यहाँ साइन टी लिख दिया, एलसीएम निकाला तो ये आपका आया, तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी, ये बन गया कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। अब भाग लगा दे समीकरण दो भागा वन, समीकरण दो में एक का भाग लगाएंगे तो देखिए क्या बनता है, भाग लगा दिए, तो समीकरण दो यही है ना, तो ये बनेगा ऊपर में ए, तो बेसिकली बनेगा क्या, पहले सबसे पहले तो लिख देते हैं डीवाई बाय डी एक्स बनेगा, ऊपर में बनेगा ए कॉस टी, और नीचे में क्या बनेगा, ये पूरा को भाग लगाते हैं, तो नीचे में जब पूरा भाग लेगा तो ये मेन बट्टा हो जाएगा, है कि नहीं, और नीचे में आपका आएगा ए कॉस स्क्वायर टी, है कि नहीं, ये आपका ए कॉस स्क्वायर टी, और साइन टी जो है पलट के कहां चला जाएगा, साइन टी जो है आपका पलट के ऊपर चला जाएगा, यहां से ए से ए कटा, कॉस टी से एक कॉस टी कटा, तो बचेगा क्या, ये बचा डीवाई बाय डी एक्स, तो ऊपर में एक बचा है कौन सा चीज, ऊपर में कुछ नहीं बचा, ऊपर में केवल बचा आपका साइन टी, है ना, और नीचे में क्या बचा है कॉस टी, तो साइन टी बटा कॉस टी क्या होता है, ये आपका होता है टेन टी, यानी हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन टी के बराबर हो जाएगा, और यही आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर एट का कंप्लीट आंसर। तो आराम से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ये आपका बोर्ड मॉडल है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है, तो कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, है कि नहीं, मैंने क्लियर भी कराया हुआ हर जगह पे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ को, क्वेश्चन नंबर नौ के सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नौ है x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा, ठीक है, आई होप आपको सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही होगी, है कि नहीं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौ को देखते हैं। थीटा के टर्म में दिया तो किसके सापेक्ष करें, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाय d थीटा इक्वल टू a का a रहेगा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इनटू tan थीटा, ये पढ़ा है ना आपने, बताइए पढ़े है ना, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा इनटू tan थीटा। अच्छा, ये समीकरण हमारा बन जाएगा वन। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, तो लिखेंगे dy बाय d थीटा, तो b का b और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का आपने पढ़ रखा है sec स्क्वायर थीटा होता है, ये बन जाएगा आपका समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत है क्या,
टेन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब भाग लगाएंगे सेकेंड का फर्स्ट से, तो सेकेंड भागा फर्स्ट, तो सेकेंड में फर्स्ट से जब भाग लगाया हमने तो बनेगा क्या, ये बनेगा आपको डी वाई बाय डी एक्स सीधे बन जाएगा क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा। ऊपर में क्या आएगा बी सेक स्क्वायर थीटा और नीचे में आपको आएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही ना आएगा। अब देखिए यहां से सेक थीटा से एगो सेक थीटा कट जाएगा तो यहां बच रहा है आपको बी सेक थीटा और नीचे में बच रहा है ए टेन थीटा। अब इसमें एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं जरा समझिएगा, इसको पलट देते हैं। पलटने का मतलब क्या, सेक को बना देते हैं कॉस तो ये बनेगा बी और सेक बनेगा कॉस तो वन बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा और टेन को बनाते हैं साइन बटा कॉस तो नीचे में ए है तो ए रहेगा ना तो ये साइन बटा कॉस बनेगा तो ये बनेगा नीचे में साइन है ना यानी साइन थीटा और ऊपर में बन जाएगा जाके कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, आंसर क्या बन रहा है बी बाय ए साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। करते हैं आज यहीं पे सेशन को समाप्त क्योंकि क्वेश्चन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग फटाफट आप बने रहेंगे मेरे चैनल पे, दो क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चैनल में बने रहें, तो चैनल में बने रहेंगे आपको सारी कंसेप्ट, आपको फिजिक्स की क्लासेस कल से अपलोड होने लगेंगी फिजिक्स की और साथ में आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपको देखना है तो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस भी आपको कल से प्रोवाइड कराई जाएगी। और बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिगो पार्ट चल रहा है जिसमें क्वाड्रेंट मैंने क्लियर कर रखा हुआ है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट मैं आपको लेके आऊंगा कल की क्लास में। तो चैनल में बने रहेंगे आपको बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको आंसर ये करना होगा कंप्लीट तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, वन बाई साइन जो होता है क्या होता है आपने पढ़ रखा हुआ है सेक होता है ना कोसेक, तो इसको लिख सकते हैं बी बाय ए कोसेक थीटा। तो अगर आपको आंसर में थोड़ा सा ये लगे तो आप आंसर सेट कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, है ना। ये आपका क्या था वन बाई साइन था तो ये भी आंसर सही है, लेकिन आपको अगर पूरा कंप्लीट करना है तो ये आपका कोसेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी आपका क्लासेस के आनंद ले सके। तो चलते हैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।